वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट सम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स है 1 टेंजेंट एक्स, यहाँ पर है माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है, और 1, ठीक है। तो शो करना हमें कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, ठीक है, किसके बराबर है, कोस 2x, यहां पर है कोस 2x, ठीक है, साइन 2x, और यहां पर है माइनस साइन 2x, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड के इक्वल शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या हमारे पास कि ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। ट्रांसपोज कैसे होता है कि इंटरचेंज करेंगे nth रो को nth कॉलम के अंदर, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के अंदर, जैसे 1 टेंजेंट x को, इस तरीके से, ठीक है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के अंदर, मतलब माइनस टेंजेंट x और 1, इस तरीके से, ठीक है। अब a का ट्रांसपोज हमारे पास, अब क्या फाइंड आउट करना हमने, a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, जैसे 2 बाई 2, या फिर सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, तो क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा। अब सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए हम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके, मतलब यहां पर तो 1 सेम है, ठीक है, तो एज इट इज, मतलब इस 1 की जगह ये एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से। फिर जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसमें क्या साइन चेंज करके, ठीक है, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहां पर, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस टेंजेंट एक्स, और यहां पर एक माइनस पहले से, तो क्या होगा, प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, किसके बराबर होगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, फिर माइनस का साइन जब नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इन दोनों ही मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, एक माइनस पहले से, तो प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स के, इस तरीके से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए का ट्रांसपोज कितना है, 1 1, माइनस टेंजेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इस तरीके से, ठीक है। फिर इनटू में ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स कितना है, 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इतनी है हमारे पास, 1 1, माइनस टेंजेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब जैसे 1 बाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स से स्केलर है, ठीक है, तो इसको 1 बाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस एक्स का, तो क्या होगा, कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है, इनटू में इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगी, रो बाई कॉलम मेथड से, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, इस तरीके से। फिर माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, 1 इंटू माइनस टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है, और माइनस टेंजेंट एक्स इंटू 1, माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अभी यहां पर क्या होगा, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, टेंजेंट एक्स इंटू 1, टेंजेंट एक्स, ठीक है, फिर 1 इंटू टेंजेंट एक्स, फिर से टेंजेंट एक्स, प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है, और सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, तो टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और 1 इंटू 1, प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है।
अब जैसे हमारे पास राइट हैंड साइड है किस में, साइन और कोस में, ठीक है। अब यहां पर क्या है, टेंजेंट, ठीक है, इसको साइन और कोस की टर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कोस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज, अंदर क्या हमारे पास है? जैसे टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस, तो कितना होगा, वन माइनस टेंजेंट एक्स को साइन बाई कोस, और क्या इसका स्क्वायर है, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जैसे माइनस टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स माइनस टू टेंजेंट एक्स, टू और टेंजेंट एक्स को साइन बाई कोस की टर्म में, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहां पर टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, टू टेंजेंट एक्स, टू टेंजेंट एक्स को साइन और कोस की टर्म में, इस तरीके से। फिर यहां पर कितना है, माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन, या फिर वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब कोस स्क्वायर एक्स क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कैसे मल्टीप्लाई होती है, आर एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स की यहां पर भी मल्टीप्लाई होगी, इस एलिमेंट के साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो यहां पर जैसे कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कैंसिल होगा, लेकिन कब होगा, जब एलसीएम लेंगे यहां पर, ठीक है। तो एलसीएम लेने बाद क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। और डिवाइड में साइन कोस स्क्वायर एक्स होगा यहां पर, और उससे कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, ठीक है। यहां पर क्या बचेगा, माइनस टू तो एज इट इज, साइन एक्स भी है, ठीक है। और क्या है, कोस स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे यहां पर तो मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, एक कोस से तो एक कोस कैंसिल, और क्या बचेगा, कोस एक्स इन टू में, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा, जैसे यहां पर कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, टू साइन एक्स तो एज इट इज, और एक कोस से एक कोस कैंसिल, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहां पर कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम लेंगे, तो ऊपर क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स, और उसकी कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई तो कैंसिल होंगे, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, अब जैसे यहां पर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जैसे क्या होता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला ऑफ कोस टू थीटा, ठीक है। मतलब जैसे यहां पर एंगल डबल है, और यहां पर हाफ है, टू का हाफ वन, ठीक है। और इसी तरीके से टू साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर होता है, साइन टू एक्स के, ठीक है। अब इनको अप्लाई कर लेते हैं, यहां पर क्या है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो किसका होगा, जैसे यहां पर थीटा टर्म में था, यहां पर एक्स की टर्म में, तो क्या होगा, कोस टू एक्स, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा, कोस टू एक्स, ठीक है। अब क्या है यहां पर, माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला होगा, साइन टू एक्स का, और माइनस साइन साथ में है, और यहां पर साइन टू एक्स का, ठीक है। और यही क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसी तरीके से हमें वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया था हमने, यहां पर ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इफ, ठीक है, एफ एक्स हमारे पास किस तरीके से, कि कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है, यहां पर है जीरो जीरो वन जीरो जीरो, ठीक है, माइनस साइन एक्स कोस एक्स, इस तरीके से एफ एक्स है हमारे पास, ठीक है। और हमने शो करना है कि जो फंक्शन है, ठीक है, इसका इनवर्स, ठीक है, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, एफ एक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से होगा इनवर्स फाइंड आउट, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, मतलब एफ एक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। अब कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास, थ्री बाई थ्री ऑर्डर, ठीक है, या फिर सिंपली थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। यहां पर कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है, ठीक है। किस तरीके से एक्सपेंड कर लेते हैं, किस जैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना में, तो
अब जैसे कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू जीरो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर एक्सपेंड किस तरीके से अलोंग आर थ्री, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें दो जीरो है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस जीरो के लिए, ठीक है, तो जीरो इंटू समथिंग होगा वो जीरो रिजल्ट होगा, फिर इस जीरो के लिए माइनस जीरो इंटू समथिंग, ठीक है, और इस वन के लिए क्या होगा, प्लस वन इंटू, ठीक है, क्या होगा कि इस वन के लिए इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, और इनका जो डिटरमिनेंट होगा, और किस कैसे होगा इनका डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, फिर एक माइनस साइन, ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे, और इनकी मल्टीप्लाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, और एक माइनस है, एक माइनस पहले से तो प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, अब जैसे यहाँ पर जीरो यहाँ पर जीरो, वन इंटू दिस, तो कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स किसके बराबर होता है, वन के, ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है, वन के, तो वन इंटू वन वन, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, एट जॉइंट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब एट जॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब जैसे थर्ड ऑर्डर के लिए तो सिंपली को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, को फैक्टर मतलब ए वन वन, इस तरीके से, ठीक है। तो ए वन वन में क्या होगा, माइनस वन की पावर वन प्लस वन आई प्लस जे होता है, ठीक है, तो टू इंटू में, अब ए वन वन कौन सा एलिमेंट है, कोस एक्स, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या, कोस एक्स, कैसे सोल्व होगा, इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम को डिलीट कर दो, और इनका डिटरमिनेंट कोस एक्स इंटू वन कोस एक्स, ठीक है, और माइनस का साइन जीरो इंटू जीरो जीरो, तो किसके बराबर होगा, अब माइनस वन की पावर क्या है हमारे पास, ई वन है, ई वन के रिजल्ट में प्लस वन, तो किसके बराबर है, कोस एक्स के, ठीक है। इसके बाद ए वन टू, यहां पर क्या होगा, माइनस वन की पावर इनका सम थ्री, और ओड के लिए क्या होगा, माइनस का साइन इंटू में ए वन टू, क्या हमारे पास, माइनस साइन एक्स, इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, और क्या होगा, साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स, और जीरो इंटू जीरो जीरो, ठीक है, इस तरीके से। फिर ए वन थ्री, ठीक है, ए वन थ्री मतलब क्या होगा, माइनस वन की पावर, ठीक है, वन प्लस थ्री फोर, फोर क्या होता है, इवन, इवन के रिजल्ट में प्लस वन इंटू में, ठीक है। अब ए वन थ्री का मतलब जीरो है ये, ठीक है, जीरो के लिए क्या होगा, इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू कोस एक्स वो भी जीरो, तो किसके बराबर है, जीरो के। फिर ए टू वन, ठीक है, ए टू वन के केस में क्या होगा, माइनस वन की पावर कितनी, टू प्लस वन थ्री, और थ्री क्या होता है, ओड, ओड के केस में माइनस का साइन, इस तरीके से, ठीक है। और इंटू में ए टू वन का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब साइन एक्स, साइन एक्स के लिए अब इसकी रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स, और जीरो इंटू जीरो जीरो, तो किसके बराबर होगा, साइन एक्स के, ठीक है। अब ए टू टू, टू टू का मतलब माइनस वन की पावर कितनी होगी, टू प्लस टू फोर, फोर इवन, इवन के रिजल्ट में प्लस वन, ठीक है, टू टू का मतलब कोस एक्स, ठीक है, इसकी रो छोड़ दो कॉलम, क्या बचेगा, कोस एक्स इंटू वन कोस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। फिर ए टू थ्री मतलब इस जीरो के लिए क्या होगा, माइनस वन की पावर फाइव, फाइव के केस में माइनस का साइन, ठीक है, इस जीरो के लिए रो कॉलम, ठीक है, यहां पर जीरो यहां पर जीरो, ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन है। तो फिर ए थ्री वन, यहां पर प्लस का वन होगा, और इसके लिए यहां पर जीरो, ठीक है। फिर ए थ्री टू, ए थ्री टू के केस में माइनस का साइन होगा, पावर क्या, ओड, ठीक है, थ्री टू का मतलब ये जीरो, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, और यहां पर कोस एक्स इंटू जीरो साइन एक्स इंटू जीरो जीरो। फिर ए थ्री थ्री, ठीक है, इस वन के लिए, ठीक है, क्या होगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, फिर माइनस का साइन, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वेयर, इस तरीके से, और ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, वन के, थीटा यहां पर एक्स है, ठीक है। तो एट जॉइंट ऑफ फंक्शन का कैसे होगा कि ट्रांसपोज होगा, जो मैट्रिक्स फॉर्मड होगी किससे, इनके कोफैक्टर से, ठीक है, पोजीशन वाइज यहां पर इनकी वैल्यू लिख लेते हैं,
वन वन कोस एक्स है यहाँ पर, फिर हमारे पास माइनस साइन एक्स, फिर जीरो, ठीक है। अब भाई ए टू वन कितना, साइन एक्स कोस एक्स जीरो 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 वन, इस तरीके से, ठीक है। और इनका क्या है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब एनथ रो को एनथ कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, साइन एक्स कोस एक्स और जीरो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, इस तरीके से, ठीक है। अब एडजॉइंट हमारे पास एफ एक्स का डिटरमिनेंट है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, एफ एक्स इनवर्स, ठीक है। इनवर्स कैसे होगा, वन बाई ए का डिटरमिनेंट, ठीक है, कितना ए का एफ एक्स का डिटरमिनेंट है यहाँ पर वन बाई वन इंटू में एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना है कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है, जीरो जीरो वन जीरो जीरो माइनस साइन एक्स कोस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास कि फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स, ठीक है, एक्स की जगह माइनस एक्स, फंक्शन एक्स में तो माइनस वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह, तो क्या होगा हमारे पास कि एक्स की जगह माइनस एक्स तो कोस माइनस एक्स, ठीक है, यहां पर माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, यहां पर जीरो तो जीरो ही रहेगा, यहां पर जीरो यहां पर वन, ठीक है, जीरो जीरो, इस तरीके से है साइन ऑफ माइनस एक्स और कोस ऑफ माइनस एक्स, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, जब थीटा में माइनस हो, साइन के केस में तो किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बार आ जाती है, ठीक है, और कोस के केस में कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होती है कोस थीटा, ठीक है, मतलब माइनस एलिमिनेट हो जाती है यहां पर कोस के केस में, ठीक है, तो कितना होगा जैसे यहां पर तो जीरो जीरो वन जीरो जीरो तो एज इट इज, ठीक है, कोस के केस में माइनस एलिमिनेट होगी तो क्या बचेगा कोस एक्स, यहां पर कोस एक्स, ठीक है, यहां पर साइन के केस में एक माइनस बार आएगी, एक पहले से है तो कितनी होगी प्लस साइन एक्स, इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर माइनस बार आएगी तो माइनस साइन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी हमारे पास यही थी और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।